नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। शराब की सरकारी ठेके पर की जा रही है मिलावट, रंगे हाथ पकड़ी करतूत, मोटे मुनाफे के चक्कर में कर रहे हैं खिलवाड़। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के छाता गोवर्धन रोड स्थित कैनरा बैंक के सामने सरकारी शराब के ठेके पर खुलेआम कम कीमत की शराब ब्रांडेड कंपनियों की बोतलों में डालकर बेची जा रही है। एक युवक द्वारा जब इस बात का वीडियो बनाया गया तो सेल्समैन ने माफी मांगते हुए अपनी गलती कबूल कर ली। वहीं जब इस संबंध में आबकारी निरीक्षक छाता अंजलि शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह दुकान पर आकर इस संबंध में जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें, ब्लेंडर नामक कंपनी का अड्डा 480 रुपए का आता है, उसी अड्डे में RPM नामक कंपनी का अड्डा जो कि 240 का आता है मिलाकर उसे बेचा जा रहा है। तो आप सोचिए ये लोग किस तरह शराब के शौक रखने वालों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और मोटे मुनाफे के चक्कर में किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। शराब का शौक रखने वाले हो जाएं सावधान। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। ये गलत चीज है, आइंदा कभी मत मिलाना। कोई तुम्हें शिकायत नहीं मिलेगी जब तक मैं रहूंगा। क्यों मिलावट करते हो? मैं चला आया हूँ, मैं तुमने कहा मैं छुट्टे चला गया था, मैं आज ही आया हूँ। तो किसने मिलावट की इससे पहले? पता नहीं कौन लड़का था, वो कर गया वो अपनी पहली। अब हमने आपको हाफ लौटा दिया। देखो एक भाईचारा ही तो है ये, हमने आपको अगर हम उसे सैंपल भेज देते क्या होता? दुकान सीज हो जाती ना। सैंपल है ना, क्लियर है वो, उसमें फ्रूटी भरी हुई है दो 8 PM की। गलत कैम वापस आ जा, बतू ना सुनी। लेकिन आप जानते हो फ्रूटी है उसमें, है ना, फ्रूटी है, आप मानते हो ना। तो यही चीज है, नहीं होना चाहिए सर। अगर कोई पैसा आदमी दे रहा है यार, तुम समझो उस बात को, और तुम उसे मिलावट कर रहे हो तो क्या होगा बताओ? गलत करूंगा ते ना। लेकिन ये मिलावट की किसने? दूसरा लड़का था, वो चला गया। क्या नाम था उसका? सुनील नाम था। वो मिलावट करता था, वो मेरी जगह आया था, मैं घर गया, मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, मैं चला गया था, मैं उसे छोड़ गया था यहाँ पर। भैया दादा